Subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. इस साल जिन फिल्मों का दर्शकों को सबसे ज्यादा इंतजार है उनमें से एक है रेस 3। सलमान खान पहली बार इस फ्रेंचाइजी में काम कर रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर और गाने भी काफी पसंद किए गए हैं। अब खबर यह है कि रिलीज से पहले ही फिल्म काफी फिल्मों को पीछे छोड़ रेस में आगे निकल गई है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के सैटेलाइट राइट से ही फिल्म ने अपने बजट जितनी कमाई कर ली है। इसी के साथ सलमान खान की इस फिल्म ने आमिर खान की दंगल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह फिल्म अब तक की सबसे महंगे सैटेलाइट राइट्स बेचने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। फिल्म के सैटेलाइट राइट्स 130 करोड़ रुपए में बिके हैं। आमिर खान की दंगल के सैटेलाइट राइट्स 110 करोड़ में बिके थे। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग थाईलैंड में हुई है, कुछ हिस्से अबू धाबी और मुंबई में भी शूट किए गए हैं। फिल्म को रमेश तौरानी के साथ मिलकर खुद सलमान खान ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में सलमान के अलावा जैकी फर्नांडिस, अनिल कपूर, बॉबी देओल, साकिब सलीम, डेजी शाह अहम भूमिका में हैं। फिल्म 15 जून को रिलीज होने वाली है।